हे नमस्कार मेरी वन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लाइट फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। एक फॉर्मेशन ऑफ शेडो का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज उसी को थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज आगे बढ़ने से पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे लाइट फॉर्मेशन ऑफ शेडोज ही पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट है, ठीक है? ओके। और आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग प्रीवियसली क्या पढ़े थे, हम तो समरी नहीं दे पाए थे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया था, समरी नहीं दे पाए थे हम। तो हम समरी यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि हम कुछ भूल ना जाए पहले से ही, इसलिए हम लिख के रखे हैं, ठीक है? तो हम लोग ने पिछले एपिसोड में कहाँ से शुरू किया था? हम लोग ने शुरू किया था लाइट से। और लाइट का मतलब उसका हम लोग देखा है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ट्रैवल करता है, और जब ट्रैवल करता है तो उसका कुछ स्पीड होगा, और वो स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ m/s, मतलब कि 10⁸ m वो कवर करता है 1 सेकेंड में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लाइट चाहे तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब कि लाइट को कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, सही है? वो एक मीडियम से भी प्रोपागेट कर सकता है, पर उसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है एज अ होल। ये हो गया। ओके, अच्छा, अब जो लाइट का स्पीड है कितना? 3 × 10⁸ m/s, 8, बहुत ज्यादा है। तो जस्ट टू गेट द फील कि अरे भैया कितना स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो इतना ज्यादा स्पीड है, बढ़िया। इसका बस फील देने के लिए हम लोगों ने दो एग्जांपल किया था, और एग्जांपल का रिजल्ट क्या था कि लाइट को सन से अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। इसका मतलब जो लाइट हम अभी देख रहे हैं, सनलाइट अभी देख रहे हैं, वो सन से 8 मिनट 20 सेकेंड्स पहले निकला था, सही है? एंड एक और एग्जांपल देने के लिए कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है कश्मीर, लोएस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, यहां से यहां डिस्टेंस जो है वो अराउंड 2856 किलोमीटर है। तो लाइट को ये डिस्टेंस कवर करने में सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है, बस 0.01, 1 सेकेंड का 100 वाला हिस्सा। मतलब 1 सेकेंड है, उसको आप 100 पार्ट में डिवाइड करो, वो एक पार्ट में कवर कर लेगा। इतना कम टाइम लगता है, विश्वास सोच हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना कम टाइम लगता है, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का लाइट के बारे में डिस्कस किया कि उसका ट्रैवल है, उसका फील लिया हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट, फिर हम लोग पढ़े कि शैडो क्या है, व्हाट इज शैडो। इसके लिए हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। व्हाट इज शैडो? जो दो वो जो डार्क पैच फॉर्म होता है उसको शैडो बोलते हैं। कैसे फॉर्म, व्हाई, क्यों फॉर्म होता है? क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है? और जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट करता है वो लाइट पास नहीं कर पाता है, सच दैट उस साइड मेरे को डार्क इमेज मिलता है। व्हेन, कब होता है? जब आप लाइट जा रहा है, लाइट का पैसेज में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दो। और हाउ, हाउ इज इट फॉर्म्ड, मतलब कि एक्सप्लेनेशन दीजिए कैसे फॉर्म होता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि जब एक पैसेज ऑफ लाइट है और उस पैसेज ऑफ लाइट के बीच में अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या होगा? ये ओपेक ऑब्जेक्ट मेरा लाइट ब्लॉक कर देगा। लाइट ब्लॉक कर देगा मतलब इस साइड कोई लाइट नहीं आ पाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली इस साइड हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। डेफिशिएंसी ऑफ लाइट मतलब डार्कनेस, मतलब डार्क पैच, और वो डार्क पैच को शेडो बोलते हैं। मतलब कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट ब्लॉक कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, नहीं पा रहा है, इसलिए वो शेडो फॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो होगा वो एकदम डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि सारा लाइट ब्लॉक कर दिया, पर जो ट्रांसलूसेंट है उसका शैडो बहुत फेंट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत लाइट यहां से पास करने देगा, ठीक है? एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कोई शैडो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारा लाइट पास कर गया है। जब सारा लाइट पास कर गया तो ब्लॉक क्या, ब्लॉक तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? जब सारा लाइट पास कर गया तो कुछ तो ब्लॉक नहीं हुआ, कुछ ब्लॉक नहीं हुआ तो कुछ डार्क पैच ही फॉर्म नहीं हुआ, तो नो शैडो। ये सारा आंसर हम लोग दे दिया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पहला पॉइंट ये है कि शैडो कैन बी ऑब्टेंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट है तभी शैडो फॉर्म होगा, नहीं तो शैडो फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है? पहला पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो शैडो है वो हमेशा सोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। जिस तरफ सोर्स है शैडो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। मतलब कि हम अगर ऐसे खड़े हैं, लाइट यहां से आ रहा है, शैडो क्या इधर फॉर्म होगा? नहीं, पीछे फॉर्म होगा, वही बोल रहा है,
सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं शेप के बारे में, जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो शेप कैसा होगा, वो क्या डिपेंड करता है, साइज ऑफ द शेप ऑफ द सॉरी शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ओपेक ऑब्जेक्ट का जैसा शेप होगा शैडो का भी वही शेप होगा, समझ गए हम लोग। और फाइनली फाइनली जो फोर्थ पॉइंट है वो बात करता है, ये बात करता है शेप के बारे में, शेप तो हम लोग समझ गए। जो साइज के बारे में बात करता है फोर्थ पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो साइज है वो क्या डिपेंड करता है, वो आपका सोर्स का पोजीशन एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। एंड सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि जो मेरा जो एक शैडो फॉर्म होगा उसका साइज ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, सोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंड दोनों का पोजीशन एंड साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन बोथ द पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सोर्स एज वेल एज पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साइज ऑफ द शैडो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द सोर्स पे, ये हम लोग देखे थे एग्जांपल देखे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो शैडो फॉर्म हुआ है वो लार्जर है कंपेयर टू नून, यहां से एग्जांपल समझ गए हम लोग। ठीक है, एंड हम लोग सोर्स का बात करते हैं ना, तो सोर्स का साइज पे भी डिपेंड करता है, और सोर्स का साइज पे कैसे डिपेंड करता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं फाइनली फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सोर्स। एंड साइज ऑफ सोर्स क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकता है, एक होता है पॉइंट सोर्स के लिए जिसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे से, एंड बचा एक्सटेंडेड सोर्स। पर जब हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स का आज पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है सोर्स वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, एंड दूसरा जो एक्सटेंडेड सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो हम लोग को आज बस ये दो केसेस पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया, समरी ही हो गया हम लोग का 7 मिनट 40-50 सेकेंड्स का, ये था समरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, आज का पढ़ाई शुरू करने से पहले ना हम एक स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे जो है जियोमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ शैडो shadow इज formed, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ शैडो इज formed, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, पर इसको हम एक पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया, तो इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकली अ शैडो shadow कैन बी ऑब्टेन्ड बाय drawing straight lines from the source to the screen, आप भी साथ में लिखो एक बार, from source to the screen and touching the touching touching the edge of the object placed between the source and the screen। Obviously ये स्टेटमेंट हम बार बार यूज किए थे जब हम लोग पॉइंट सोर्स के लिए रे डायग्राम शैडो बना रहे थे, पर इसको दिमाग से निकल गया कि हम एक बार इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिकली आपको लिखवा दे ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए कि
अगर मुझे ज्योमेट्रिकली एक ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स से रेज ऑफ लाइट निकालो सर जब वो स्क्रीन को हिट करे, पर जब हिट करे तो एज इफ वो मान लिया हम ऑब्जेक्ट हैं, तो रेज ऑफ लाइट आ रहा है, जब रेज ऑफ लाइट आ रहा है मेरे को हिट, मेरे को एज करके यहाँ छूके जा रहा है, यहाँ छूके जा रहा है, यहाँ से छूके जा रहा है, बस टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, सोर्स से लाइट आया ऐसे गया, सोर्स से लाइट आया ऐसे गया, ऐसे गया। तो फिर जब हम सारा पॉइंट को जब वापस से ज्वाइन करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा, जैसा मेरा ऑब्जेक्ट का शेप है वापस तो वैसे ही मिलेगा ना शेडो। तो वही बोलते हैं कि अ शेडो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द सोर्स टू द स्क्रीन एंड टचिंग द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द सोर्स एंड द स्क्रीन। इसे समझ में आया, इसको हम लोग ऑलरेडी यूज किए थे पर इसको हम लिखवाना भूल गए थे एक बार, आज हम अभी हम इसको लिखवा दिए आज के लिए, और इसी को हम लोग बार बार यूज करेंगे फिर से, ठीक है। ये चीज हम लोग आप लिख लो, इसको याद कर लो एक बार, और यही चीज हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है केस टू, ए फॉर एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड एस ओ यू आर सी ई, एक्सटेंडेड सोर्स, जी स्मॉलर देन ओपेक ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ओपेक ऑब्जेक्ट। हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है पहले स्टार्टिंग में, केस टू का ये है, मतलब केस टू क्या है, मेरे पास एक्सटेंडेड सोर्स है पर वो स्मॉलर इन साइज है कंपेयर टू ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एटलीस्ट समझ लेते हैं कि काम क्या हो रहा है, कि एक्चुअली ऐसा सिचुएशन में क्या हो सकता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं मेरे पास एक्सटेंडेड सोर्स है, ये मेरा एक एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है, ओके, ये एक्सटेंडेड सोर्स है, सही है, ओके। हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स इज स्मॉलर देन द ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जो सोर्स है वो बड़ा हो रहा मेरा, चलिए ये मेरा सोर्स हो गया बड़ा, ठीक है, सही है, सही है। एंड यहाँ पर अच्छा इसको हम और से बनाते हैं, ये हो गया मेरा स्टैंड, टेबल स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्क्रीन बनाते हैं ऐसे, ये हो गया मेरा स्क्रीन, क्या है ये मेरा, ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्सटेंडेड सोर्स, बर्निंग कैंडल जो बोल सकते हो आप, ये क्या है मेरा, ये है ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQE ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, सही है, ओके। एंड ये मेरा स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, SCRW स्क्रीन, छोटा बन गया मेरे को लग रहा है, स्क्रीन थोड़ा बड़ा बना दे रहा मेरे को, कोई बात देखा जाए क्या होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे वो तो पॉइंट सोर्स के लिए पढ़े थे, और जब पॉइंट सोर्स के लिए पढ़े थे एक ही सोर्स था मेरा, तो वहां से हम रेज बना दिए थे, पर यहां पर क्या है, यहां पर तो ये एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है ना बहुत सारा पॉइंट सोर्स से बना हुआ है जो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है ना, ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है, इतना हम बोल सकते हैं ना कि ये एक्सटेंडेड सोर्स है एक्चुअली में बहुत सारा पॉइंट सोर्स है विच आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो ऐसा ही हम दो पॉइंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं एट एक्सट्रीम एंड ए बी। क्या बोले, ध्यान सुनिएगा, बकबक को ध्यान सुनिए, ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है, हम तो बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है एज इफ कि क्या है, बहुत सारा पॉइंट सोर्स है क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, सही है, मतलब कि
बहुत सारा पॉइंट, हम दो पॉइंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं एट द एक्सट्रीम एंड्स ए एंड बी, ठीक है। तो यहां से बनाते हैं हम, तो यहां से हम एक रे ऑफ लाइट बना रहे हैं सच दैट इसका पेरिफेरी को टच करे, सच दैट इसको टच करे और स्क्रीन को यहां पे हिट कर रहा है बीच में, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां से तो एक और रे जाएगा ना नीचे से, सच दैट उसको रे को भी हिट करे यहां पर, ठीक है। सिंस ये दोनों रेज सोर्स पॉइंट सोर्स ए से आ रहा है जो एक्सटेंडेड सोर्स का एक्सट्रीम एंड पे है, हम इसको नाम दे रहे हैं A1, A2। ध्यान देखिएगा, मतलब कि इस सोर्स पॉइंट A1 के ऊपर लाइट आएगा आराम से, ये A1 है, ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, कहाँ लिखे है यार, जगह ही तो नहीं बनता है कुछ, ठीक है ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर लाइट आएगा, इसके नीचे लाइट आएगा, पर इन दोनों के बीच में कोई लाइट नहीं आएगा, ठीक है, सही है, इतना तो हम लोग समझ गए। पर अब नोटिस करो, हम दो दूसरा पेन यूज करने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे पता नहीं, दिखाई दे रहा है ग्रीन पेन, हाँ दिखाई तो दे रहा है, चलो बढ़िया। अब जो ये एक्सट्रीम बॉटम एंड बी है ना, ये जो एक्सटेंडेड सोर्स का लोअर एंड है, वहां पर भी तो हम एक पॉइंट सोर्स अज्यूम किए हैं बी, वहां से भी तो दो लाइट रेज बनेगा, एक ऊपर से जाएगा ऐसे, मैं यहां पे कट स्क्रीन को यहां पे कट करेगा, एंड यहां से भी ऐसे लगेगा यहां पे टच करेगा, ठीक है। तो फिर अब देखो, प्लीज नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करना, अब प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि क्या होगा कि ये जो ग्रीन रेज ऑफ लाइट है वो पॉइंट बी से आ रहा है, जो ब्लू रेज ऑफ लाइट है वो पॉइंट ए से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरा कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर मेरा कुछ ऐसे बनेगा, मैं ब्लैक पेन बना गया, मेरा ब्लैक पेन यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहां सिंस ये ऐसे है, ये सब पार्ट तो कोई लाइट रिसीव नहीं करेगा, मतलब कंप्लीट डार्क होगा, और ये पार्ट लाइट रिसीव करेगा, मतलब कि इस पोर्शन में कोई लाइट नहीं आएगा, मतलब ये पोर्शन में कंप्लीट कोई लाइट नहीं आएगा, तो कंप्लीट डार्क रहेगा, सच दैट यहां पे भी शेप क्या होगा, ये एक स्फीयर है, पर जब लाइट आएगा उसको तो एक कल समझाया था, लाइट है आप स्पीयर है सामने, पर जब उसको फ्रंट व्यू से देखोगे आपको क्या लगेगा, ये तो सर्कल है, तो शेप ऑफ शैडो होगा वो क्या होगा, वो भी तो सर्कुलर ही होगा, ठीक है, क्या समझ में आया कुछ क्या बोल रहा है, तो जो शैडो फॉर्म होगा वो भी सर्कुलर होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इस पोर्शन में तो कोई लाइट नहीं आएगा, ये पोर्शन क्या होगा, कंप्लीट डार्क होगा, इस पोर्शन में कोई लाइट नहीं आएगा, जब कोई लाइट नहीं आएगा मतलब ये पोर्शन कंप्लीटली डार्क होगा, सही है। बट नोटिस करो कि ये दोनों जो पोर्शन नाम दे नहीं, हम ये ग्रीन वाले को हम B1 नाम दे रहे हैं, इसको B2। नोटिस करो कि ये पॉइंट A2 था मेरा, ये पॉइंट A2 था, तो नोटिस कीजिए कि A2 और B2 के बीच में कोई लाइट नहीं आएगा, मतलब कंप्लीट डार्क रहेगा, बट A2 के ऊपर एंड B1 के नीचे, मतलब इस रीजन में A2 के ऊपर एंड B2 के नीचे, मतलब इस रीजन में थोड़ा बहुत लाइट आ सकता है डिफरेंट स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोर्स से, तो उस केस में भी मेरे पास एक आउटर सर्फेस बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। पर यहां पे जो है ना पार्शियली डार्क रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो पार्शियली डार्क रहेगा, क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट इसमें आ जा रहा है, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, आपको शैडो कुछ ऐसा दिखेगा,
मतलब कि जब एक्सटेंडेड सोर्स है तो शैडो कुछ ऐसा दिखेगा, शैडो में क्या होगा, शैडो फॉर एक्सटेंडेड सोर्स, अगर आपके पास एक्सटेंडेड सोर्स है फॉर, ये लिख लीजिए आप, फॉर एक्सटेंडेड सोर्स, सोर्स शैडो एस एच ए डी ओ डब्ल्यू, शैडो विल हैव टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, पहला कंप्लीट डार्क पार्ट, शैडो विल हैव टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट अ पार्ट ऑफ द शैडो विच विल रिसीव नो लाइट एट ऑल, इसको क्या बोलते हैं आप, अम्ब्रा, यू एम बी आर ए, ठीक है, क्या है, एक है अम्ब्रा, यू एम बी आर ए, अम्ब्रा, ये क्या है, पार्ट ऑफ द शैडो, पार्ट ऑफ द एस एच ए डी ओ डब्ल्यू विच रिसीव्स आर ई सी ई आई वी ई एस रिसीव्स नो लाइट एट ऑल, नो लाइट एट ऑल, सही है। पर नंबर टू क्या है, एक और रीजन है, एक और, एक सेकेंड, पर अम्ब्रा के बाहर, जो अम्ब्रा रीजन है उसके बाहर एक और पोर्शन ऑफ शैडो है, एक और पार्ट ऑफ शैडो है, पार्ट ऑफ द शैडो विच रिसीव्स लाइट फ्रॉम सम पोर्शन ऑफ द सोर्स, पोर्शन ऑफ द सोर्स, सोर्स, मतलब कि ये जो पोर्शन है कंप्लीट डार्क है, कंप्लीट डार्क, इसको अम्ब्रा बोलते हैं, बट ये जो अम्ब्रा के बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये जो पोर्शन है इसको, ये है पार्शियली डार्क है, पार्शियली डार्क है, कंप्लीटली डार्क नहीं है, पार्शियली डार्क है, क्यों, क्योंकि कुछ लाइट वहां पर पहुंच जा रहा है, इधर नीचे से या फिर ऊपर से, कहीं से थोड़ा बहुत लाइट वहां पहुंच जा रहा है, तो उस इस पोर्शन को बोलते हैं पेन अम्ब्रा, यू एम बी आर ए, अम्ब्रा मतलब डार्कनेस, पेन मतलब पार्शियली, से पेन अम्ब्रा, नाम प्लीज समझने की कोशिश करो, अम्ब्रा मतलब कंप्लीट डार्कनेस और पेन जो वर्ड है वो पार्शियली के लिए, पेन अम्ब्रा, तो यहां पर सेकेंड पार्ट है वो है पेन, यू एम बी आर ए, पेनम्ब्रा, क्या है, वो पार्ट ऑफ द शैडो जहां पर लाइट थोड़ा बहुत रिसीव हो जा रहा है, ये था आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या होगा कि जब भी आप एक एक्सटेंडेड सोर्स लगा दोगे आपका जो शैडो बनेगा उसका दो पार्ट होगा, क्या होगा, एक तो कंप्लीट डार्क पार्ट जहां पे कोई लाइट नहीं आएगा जिसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं, और अम्ब्रा के बाहर में, अम्ब्रा रीजन जो है उसके बाहर में लाइट पार्शली आ सकता है जिसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, और हमें सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेरिकल ओपेक ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हैं, और जब लाइट आएगा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट पे उसको तो एक सर्कल दिखाई देगा, अगर ऐसे अगर हम देखते हैं तो मेरे को एक सर्कल दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ये चीज हुआ यहाँ पर, ठीक है, अब समझने का कोशिश करते हैं कि दो पार्ट क्यों आया मेरा, ठीक है, और इसको बनाने के लिए हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज करेंगे, प्लीज अब इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या हो रहा है, आपके पास यहां पर एक एक्सटेंडेड सोर्स है ए बी, सच दैट ये एक्सट्रीम एंड बी नाम है, ये एक्सट्रीम एंड ए नाम है, ये क्या है, ए बी आपका एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ए बी एक्सटेंडेड सोर्स है एंड आपके पास यहां पर, ओ मेरे को ऑब्जेक्ट बड़ा चाहिए ना, कुछ छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा कर देते हैं, हम सोर्स को छोटा कर देते हैं, मुझे ऑब्जेक्ट बड़ा चाहिए, ये ए बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, अरे यार बन जा भैया ए, ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ये रहा ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां डाल दिया हम, ये मान लीजिए पी क्यू है,
पी क्यू क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स है एस ओ यू आर सी ई, ये ऑब्जेक्ट है, अब चाहिए मुझे स्क्रीन, तो स्क्रीन मान लीजिए हम यहां रख रहा, मेरा स्क्रीन यहां पर, यह साइड व्यू के लिए एस आई डी ई साइड व्यू, ठीक है, और हम यहां पर उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पहले हम इससे बनाएंगे, ब्लू से बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत सारा, नहीं समझ में आपको, अगर हम ये एक पॉइंट सोर्स है, 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 ये भी 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 एक पॉइंट सोर्स है। अब अगर ये बहुत सारा पॉइंट सोर्स क्लोजली स्पेस्ड कर दिया जाए, ये क्या बन गया, एक्सटेंडेड सोर्स बना। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि एन एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज क्लोजली स्पेस्ड टू इच अदर, ठीक है, पहला पॉइंट, सच दैट हर एक पॉइंट सोर्स क्या करेगा, अपना खुद का अम्ब्रा प्रोड्यूस करेगा। कैसे, मान लीजिए अगर ये सिंगल पॉइंट सोर्स ए होता थी, अपना अम्ब्रा कैसे प्रोड्यूस करता, यहां से जाता ऐसे और यहां से जाता ऐसे, तो ये एक अम्ब्रा प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये क्या है, ये है अम्ब्रा फॉर द, ये मान लीजिए ए वन है, ये ए टू है, तो ये अगर इसका वन टू वन प्लॉट करें तो स्क्रीन में कहां पे आएगा, कहीं यहां पर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये अम्ब्रा का साइज है ड्यू टू ये, तो ये कैसा हो, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये अम्ब्रा बन गया, ये क्या बना, ये है अम्ब्रा ड्यू टू द पॉइंट सोर्स ए, ठीक है। सिमिलरली जो एकदम लोअर एंड पे पॉइंट सोर्स बी अज्यूम कर रहे हैं हम, वो भी तो अपना खुद का एक अम्ब्रा फॉर्म करेगा, वो कैसे फॉर्म करेगा, यहां से जाएगा ऐसे इधर और यहां से जाएगा ऐसे इधर, सही है। अब एक चीज नोटिस करो आप, जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये b1 ये b2, जो डिस्टेंस a1 a2 का होगा, ध्यान सुनना, जो डिस्टेंस a1 a2 का होगा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, वो सेम डिस्टेंस b1 b2 का होगा कितना है, अराउंड 20 सेंटीमीटर, अराउंड कुछ कम है, पर हम फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा कम रहता है, मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जो साइज ऑफ द अम्ब्रा है ड्यू टू द पॉइंट सोर्स ए एंड द साइज ऑफ द अम्ब्रा ड्यू टू द पॉइंट सोर्स बी, दोनों सेम होगा, ठीक है। तब अगर हम इसको वन टू वन यहां प्लॉट कर दें, यहां जाएगा और ये अगर हम यहां प्लॉट कर दें तो यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है, तो फिर ये भी अपना खुद का एक अम्ब्रा फॉर्म करेगा, अम्ब्रा अगर फॉर्म करेगा कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो प्लीज अब बात समझने का कोशिश कीजिए कि देखो क्या बोल रहा है, हर एक पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड सोर्स विल प्रोड्यूस इट्स ओन अम्ब्रा, ठीक है, फिर क्या होगा, ये सारा अम्ब्रा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम नोटिस करें तो देखिए कि ये अम्ब्रा और ये अम्ब्रा कहां पे ओवरलैप कर रहा है, ये रीजन पे ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये रीजन में वो दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन के अंदर कोई भी लाइट, इस रीजन के अंदर कोई भी लाइट नहीं आएगा, बहुत बड़ा बना दिया, कोई नहीं, ठीक है चलो, इस रीजन के अंदर कोई भी लाइट नहीं आएगा, कंप्लीट डार्क रहेगा, क्योंकि सारा अम्ब्रा ओवरलैप कर गया, ठीक है। पर इसके बाहर वाला चीज नोटिस कर रही है, जो पोर्शन एक्सट्रीम एंड है, इसके लेकर भी एक
जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो एक ओवरऑल ऐसा कुछ बन जाएगा सच दैट जहां पे पार्शियली डार्कनेस है पार्शियली लाइट है ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब कि फाइनली जब शैडो बनाओगे आपको दो पार्ट मिलेगा, एक पार्ट है कंप्लीट डार्कनेस वाला जिसको हम लोग अम्ब्रा बोलेंगे एंड एक और पार्ट है सराउंडिंग द अम्ब्रा पार्ट विच इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनली हम लोग को हो गया, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा कि जब भी एक एक्सटेंडेड सोर्स है एंड इज द सोर्स इज स्मॉलर इन साइज इन द ऑब्जेक्ट, मतलब रेज ऑफ लाइट कैसा है डाइवर्जिंग है, रेज ऑफ लाइट क्या है डाइवर्जिंग है, रेज ऑफ लाइट कैसा डाइवर्जिंग है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट एंड जब भी डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट के बीच में रखा गया है जो था केस ऑफ पॉइंट सोर्स साइज ऑफ द शैडो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द साइज ऑफ द क्या क्या बोलते उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर हम लोग को समझ में आया नहीं आया, मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है एवरी पॉइंट ऑन दिस एक्सटेंडेड सोर्स विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स एंड ईच ऑफ दिस पॉइंट सोर्स विल प्रोड्यूस देयर ओन अम्ब्रा। फिर जब सारा अम्ब्रा प्रोड्यूस होगा वो ओवरलैप कर जाएगा, जिस रीजन में अम्ब्राज कंप्लीट ओवरलैप कर गया है, मतलब इस रीजन में देखो ना अगर हम यहां से और यहां का बनाए तो ये रीजन मेरा कंप्लीट डार्कनेस रहेगा, इस रीजन में कंप्लीट डार्कनेस रहेगा यहां से और यहां से, तो इसके भी जो शैडो बनेगा वो कंप्लीट डार्क होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो कोई लाइट रिंग रीच कर पाएगा इसके अंदर में, पर इसके बाहर में क्या होगा कि लाइट थोड़ा बहुत यहां पर आ जाएगा, लाइट देखो यहां पर लाइट आ रहा है नीचे का पोर्शन से और यहां भी लाइट आ रहा है ऊपर का पोर्शन से, मतलब कि कुछ पोर्शन ऑफ द सोर्स से लाइट आ जाएगा बाहर में, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। प्लीज ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसको ये हो गया, यहां पे हम लोग लिख दिया है कि द एक्सटेंडेड सोर्स विल टू पार्ट शैडो। ठीक है, एंड ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, टू पार्ट ऑफ द शैडो एंड एज एज द ऑब्जेक्ट इज placed 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 in the path 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 of the diverging beam of light। क्यों? क्योंकि सोर्स छोटा है, अगर सोर्स छोटा है तो रेज ऑफ लाइट आएगा, डाइवर्ज कर रहा है यहां से, डाइवर्ज कर रहा है, एंड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट diverging beam of light क्या बोलेंगे size of shadow s h a d o w will always be greater than the size of the object। ठीक है, and obviously हम वो भी बोल सकते हैं जो हम लोग last में सीखे थे कि closer the object to the source greater is the shadow closer closer the object, closer the object to the source greater is the size of the shadow s i z size of the shadow। ये पॉइंट को हम लोग ने लास्ट एपिसोड में इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया था कि क्या था ना कि इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सोर्स के जितना पास है स्क्रीन से उतना दूर है एंड जितना दूर है स्क्रीन से साइज शैडो उतना बड़ा होगा, और जैसे जैसे ये स्क्रीन से सोर्स से दूर जाएगा मतलब स्क्रीन के नजदीक जाएगा साइज ऑफ द शैडो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम बनाया था हम लोग इस पोर्शन में, याद आया? ठीक है, तो फाइनली ये हो गया। हम अब इसको हम रब कर दे रहे हैं, रब करने में टाइम लगेगा, उस पार्ट को हम एडिट कर देंगे एंड उसके बाद आप प्लीज पॉज कर लेना और यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, आप वो कॉपी कर लेना। ठीक है, हम इसको क्या बोले हम इसको मिटा दे रहे हैं एंड फिर हम एक ब्लैंक पेज आएगा वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखा रहेगा, तो एक बार अपना कॉपी में लिख लेना, हम जो चीज बोले हैं वही लिखा होगा पर एक बार आप खुद से लिख लेना। ठीक है, ओके चलो।
अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप पॉज करके उसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं, जो है हम लोग का केस टू का बी फॉर एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स ही पढ़ेंगे हम लोग ऑब्वियसली, फॉर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ साइज एस आई जेड ई साइज ग्रेटर जी आर ई ए टी ई आर ग्रेटर देन द ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहां पे जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका साइज बड़ा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। सही है? लाइट आ रहा है? एक सेकेंड, अब लाइट अच्छे से आएगा। और हाँ, अब लाइट और अच्छे से आ रहा है। सही है, ये हम लोग समझ गए। सही है, तो फिर चलिए बेसिकली यहां भी हम लोग वही करेंगे जो चीज हम लोगों ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉलर साइज के लिए पढ़ा है, सेम चीज यहीं पे पढ़ना है, ठीक है? और फिर लास्ट में ना, जब बाय द टाइम हम लोग ये खत्म करेंगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक अच्छा से समझ में आएगा, देखना क्या है, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए, तो ओके, क्या है मेरे पास? फिर से मेरे पास एक एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक है? ये है बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, बहुत बढ़िया। ओके, पर यहां पे मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो छोटा है कंपेयर टू द एक्सटेंडेड सोर्स, तो छोटा बनाना है मुझे, ठीक है? तो चलिए इसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो छोटा है ना, सही है। अब इसको हम हवा में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसको टेबल स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाए, ये हो गया सोर्स, ऑब्वियसली एक्सटेंडेड सोर्स है, ये हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए स्क्रीन। ये मान लीजिए मेरा हो गया एक बहुत, मतलब कि इसका रे डायग्राम ऐसा बनता है ना कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है, इसलिए मुझे पास से बनाना पड़ रहा है। ये है ओपेक ऑब्जेक्ट, ओ पी ए क्यू यू ई ओ बी जे ई सी टी, ये है स्क्रीन, एस सी आर डबल ई एन। एंड फाइनली क्या हम एक और बना सकते हैं स्क्रीन? देखते हैं एक और स्क्रीन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यहां पर ये स्क्रीन पोजीशन ए, ये दूसरा स्क्रीन है विथ पोजीशन, सेम स्क्रीन है विथ पोजीशन बी, ठीक है? ओके, अच्छा भैया भैया सुनो 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 सुनो, रे डायग्राम, अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिकल शैडो बनाना है इस पर, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स से स्ट्रेट लाइट पास कराएंगे सच दैट वो लाइट स्क्रीन को हिट कर रहा है एंड टचिंग द एज ऑफ द सरफेस, ठीक है? सेम चीज ऐसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से अज्यूम कर लेते हैं कि भैया भैया ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है ना, इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है वो पॉइंट सोर्स से बना हुआ है जो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है? तो हम वैसा ही दो पॉइंट सोर्स एक्सट्रीम एंड पे कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स ए एंड पॉइंट सोर्स बी। अब यहां से मुझे अगर शैडो बनाना है तो मेरे पास स्केल कहां गया, मेरा स्केल कहां गया? ओह माय गॉड, वेयर आई केप्ट माय स्केल? इश, अरे क्या कर रहे भाई तुम, स्केल का किया? ओह यार स्केल, हां स्केल रहा, सॉरी पहले हो गया सॉरी, क्लियर, ठीक है? तो अगर हम यहां से पॉइंट बी से पहले बनाए तो ये जाएगा ऐसे एक लाइट फाइट ऐसे बूम 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 बूम। हाँ, नोटिस कीजिएगा कि ये स्क्रीन को यहां पे हिट करेगा और ये स्क्रीन को यहां पर हिट करेगा कहीं पर, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर हम यहां से बनाए ए, क्या किया हमने, ठीक है ठीक है, एक सेकंड से बड़ा है, अगर हम यहां से बनाए तो मेरा ऐसे बनेगा, यहां से जाएगा ऐसे, मतलब कि जो पहला स्क्रीन है
जो पहला स्क्रीन एट पॉइंट पोजिशन ए रखे हैं उसको यहां पर हिट करेगा एंड दूसरा स्क्रीन बना ही दो भैया, जो दूसरा स्क्रीन है उसको यहां पर हिट करेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि हम लोग तो सीख चुके हैं कि पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट कैसे बनाते हैं, दो सिंस ये टू डायमेंशनल प्लेन है हम मैक्सिमम दो बना सकते हैं, बट द सेम इज इक्वली ट्रू कोई भी एज को हिट करे। पर हम तो जब पिक्चर बना रहे हैं हम तो बस दो ही दिखा पाएंगे ना, समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। ये जो दो ब्लू रेज ऑफ लाइट है वो इंडिकेट कर रहा है आपका पॉइंट बी वाला पोजिशन, सही है, एकदम सही है। अब हम एक और सोर्स है मेरे पास ये वाला ए पॉइंट वाला, वहां से भी हम बनाते हैं एक बार। जब यहां से बनाएंगे हम तो ये स्क्रीन को कहां पर हिट करेगा, डिंग 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 डिंग, मतलब ये पहला रे स्क्रीन को यहां पे हिट करेगा, दूसरा रे यहां पे हिट करेगा, सही है? सही है भैया, सही है मक्खन की तरह। और जब हम दूसरा रे ऑफ लाइट बनाते हैं ताकि वो नीचे वाला बॉटम को हिट करे तो वो कहां पे हिट करेगा, एकदम प्रिसाइजली तो नहीं बनेगा पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं एकदम प्रिसाइजली बनाने का, कि दूसरा वाला स्क्रीन को यहां पे हिट करेगा और पहला वाला स्क्रीन को यहां पे हिट करेगा, सही है? अरे सही है ना, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे तो कहां तक जाएगा, ये हो गया ना। एक सेकेंड, ना हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते कहां तक जाएगा, ये एक्सटेंड कर दे जाएगा, और ये वाला इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते जाएगा इधर तक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, एक सेकेंड ठीक है, मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि एक और स्क्रीन बनाते हैं, मुझे हम चाहे तो यहां भी एक ऐसा स्क्रीन बना सकते हैं, नोटिस कीजिएगा प्लीज, यहां भी हम एक ऐसा स्क्रीन बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरा बहुत गड़बड़ हो गया डायग्राम, सुनिए पहले, रुक जाओ तो डायग्राम ऐसे बना दो, इश क्या किया तुम, मिटा दिया उसको, रुको, एक सेकंड रुक जाओ, बस ऐसे रुक जाओ, बस हम थोड़ा कंप्लीट कर देता था। इस स्क्रीन को यहाँ पे हिट किया, इस स्क्रीन को यहाँ पे हिट किया, ये यहाँ पे हिट किया, तब हम स्क्रीन बना दे ठीक से, ये गया ऐसा पहला स्क्रीन, दूसरा स्क्रीन, ठीक है तीसरा स्क्रीन, मतलब कि हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, देखो मेरे पास ये भी एक स्क्रीन है, इसको हम ए स्क्रीन बोल रहे हैं, ये भी एक स्क्रीन है बी स्क्रीन, और ये भी एक स्क्रीन है सी, फॉर डिफरेंट पोजीशंस, तीनों ही क्या है, तीनों ही स्क्रीन्स है, ठीक है। एंड मजेदार बात ये है कि जो ये देखो, पहली बात आपको ये रेज ऑफ लाइट समझ में आया, क्या बनाया हम, रेज ऑफ लाइट, देखो पहली बात आपको ये रेज ऑफ लाइट समझ में आया कि नहीं आया, एक्सटेंडेड सोर्स को अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट सोर्स से बना हुआ है, दो पॉइंट सोर्स कंसिडर किए एकदम टॉप पे एकदम बॉटम पे, यहां से दो रेज ऑफ लाइट बनाए ऐसे किया, दोनों ही रेज ऑफ लाइट स्क्रीन को टच कर रहा है, हिट कर रहा है बाय स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट एट द एज। सिमिलरली बॉटम में एकदम नीचे वाला से एक पॉइंट सोर्स अज्यूम किए बी, वहां से भी दो रेज ऑफ लाइट बनाए सच दैट वो स्क्रीन को हिट कर रहा है यहां पर, कब, जब वो सरफेस को एज को बस टच कर दिया, यही तो ज्योमेट्रिकल है ना, यही तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शैडो है कि ज्योमेट्रिक, अगर मुझे शैडो बनाना कैसे बनाएंगे, ठीक है ओके। अब नोटिस करो मजेदार चीज, इस दोनों को भूल जाओ, क्या बोल रहे हैं, इस दोनों को आप भूल जाओ, मतलब अज्यूम कर दो ये ऐसा है यहां पर कुछ नहीं है अभी, ठीक है ओके, इन दोनों को हम भूल जाते हैं, मतलब एज इफ ये है ही नहीं यहां पर, ओके। अब नोटिस करो ये जो स्क्रीन है यहां पर ए पर, ठीक है, इस रीजन में कोई लाइट नहीं हिट करेगा,
ऐसे है ना, ये पोर्शन तो कब, इस वाला, ये वाला फेस कंप्लीटली डार्क होगा, ये वाला फेस कंप्लीटली डार्क होगा, ये वाला फेस कंप्लीटली ब्राइट होगा, तो इस पोर्शन पे कोई लाइट नहीं एंटर करेगा। मतलब कि यहां पर अगर हम एक, यहां पे क्या बनेगा, एक शैडो बनेगा ऐसा जहां पे कोई लाइट नहीं होगा, और ये पोर्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा। वेयर एज जो एक्सट्रीम एंड्स है, ये वाला एंड और ये वाला पॉइंट जहां पे हिट कर रहा है, यहां से भी एक अम्ब्रा बन सकता है ऐसे, यहां से भी एक ऐसा, ए राम छी मत कर गलती, यहां से भी एक ऐसा बन सकता है, ठीक है। पर ये क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ना वो पार्शियली डार्क होगा, और जब पार्शियली डार्क है इसको बोलेंगे पेन अम्ब्रा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, हम ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हम ये बोल रहे हैं कि जब ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्रिक कर रहा है, जैसा डायग्राम हम लोग ने बनाया था किसके लिए, पहला केस में एक्सटेंडेड सोर्स के लिए, इन दोनों के बीच में कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, कोई रे ऑफ लाइट, मतलब जो पहला दो रेज है उन दोनों के बीच में कंप्लीट डार्कनेस है यहाँ पर, तो ये होगा एक पैच ऑफ लाइट जहां पे कंप्लीट डार्कनेस है, जिसको हम अम्ब्रा बोलेंगे, वेरस उसके बाहर में पार्शियल डार्कनेस होगा, आधा लाइट आधा डार्कनेस, इस पोर्शन को पेनम्ब्रा बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा सोर्स एक्सटेंडेड है, डिपेंड नहीं करता है बड़ा ऑब्जेक्ट से छोटा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में शैडो का दो पार्ट होगा, एक कंप्लीट डार्क पार्ट जहां पे कोई लाइट नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं अम्ब्रा, डेफिनेशन हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, एंड दूसरा पार्ट जो पार्शियली डार्क होगा, थोड़ा बहुत डार्क है थोड़ा लाइट भी है, उसको बोलेंगे पेनम्ब्रा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड सोर्स है तो ऑब्जेक्ट का दो पार्ट होगा, सही है, सही है, ठीक है। अब यहां पर नोटिस करो आप डिफरेंस कि जो एक्सटेंडेड सोर्स छोटा था कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, उस केस में जो रेस था ना वो डाइवर्जिंग इन नेचर था, डाइवर्जिंग, पर यहां पर क्या है, यहां पर एक्सटेंडेड सोर्स बड़ा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का, देखो ना कन्वर्जिंग नेचर का, ये जो जहां शैडो फॉर्म हुआ है, इसीलिए शैडो क्या है, अम्ब्रा रीजन क्या है, स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। हियर शैडो एस एच ए डी शैडो हैज टू पार्ट, हैज टू पार्ट्स, पहला अम्ब्रा यू एम बी आर ए एंड दूसरा पेनम्ब्रा। पता है आपको डेफिनेशंस, पता है प्रीवियसली हम लोग डेफिनेशन दे चुके हैं, नाउ बट द साइज ऑफ अम्ब्रा यू एम बी आर ए अम्ब्रा इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट लाइज एल आई ई लाइज इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग सी यू एल वी आर जी आई कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ एल आई जी एच टी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सटेंडेड सोर्स का साइज छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, उस केस में साइज ऑफ अम्ब्रा जो है शैडो है वो बड़ा होता है, ठीक है। बट जैसे ही एक्सटेंडेड सोर्स बड़ा हो जाए कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ अम्ब्रा क्या है, छोटा हो जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अब लाई कर रहा है बिटवीन द रेज ऑफ कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, ओ भैया
ठीक है, ये तो हम लोग को स्क्रीन वन से ही समझ में आ गया। तो ये स्क्रीन बी एंड स्क्रीन सी बनाने का क्या जरूरत था आपको? आर्टिस्टिक नेचर दिखाना चाहते हो अपना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ और था। आइए बातें हम। ये एक पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, ये एक पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, इस पोजीशन को हम लोग ए बोल रहे हैं। ये दूसरा पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, इसको हम बी बोल रहे हैं। और ये तीसरा पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, इसको हम लोग सी बोल रहे हैं। तो स्क्रीन बी स्क्रीन सी क्या डिफरेंस है? स्क्रीन ए एंड ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस ये है, स्क्रीन बी एंड ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस ये है, स्क्रीन सी एंड ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस ये है। सही है? मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस बढ़ाएं तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये जानना है। देखिए इस केस में यहां पर जो इनर दो रेज ऑफ लाइट है, अम्ब्रा इसके बीच में फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में अब कोई लाइट नहीं आएगा, ठीक है, पर ये दो रीजन के बीच में लाइट आ सकता है, ये दो रीजन के बीच में लाइट आ सकता है फॉर सम डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सोर्स से, मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द सोर्स से इस रीजन में लाइट आ सकता है एंड इस रीजन में भी लाइट आ सकता है। हम तो बस एक्सट्रीम एंड्स कंसिडर किए हैं, बीच का तो कंसिडर नहीं किया ना। बीच से रेज चाहे तो यहां यहां आ सकता है, इसीलिए मुझे ये रीजन ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा पेन अम्ब्रा बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सही है, ठीक है। अब स्क्रीन सी पे आते हैं। स्क्रीन सी पे देख रहे हैं कि जो जो रेज ऑफ लाइट मीट किया एकदम एक पॉइंट पे मीट कर रहा है वो लोग, तो इसका मतलब जो अम्ब्रा रीजन है और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, पर जो पेनम्ब्रा रीजन है वो यहां यहां से बनेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये हो गया आपका पेन अम्ब्रा रीजन। तो क्या समझे हम लोग? देखिए पहला बात तो हम लोग ये समझे कि साइज ऑफ द अम्ब्रा विल ऑलवेज बी लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो समझ गए हम लोग। पर अगर हम लोग जैसे जैसे देखो ये नहीं है, ठीक है, मान लो स्क्रीन यहां पे था पहले, ठीक है, तो साइज बहुत छोटा है, पर हम स्क्रीन को दूर कर दें, यहां से यहां ला दें, देखो साइज क्या और छोटा हो गया। अब यहां पे ला दिए, साइज क्या और छोटा हो गया। इसका मतलब नोटिस करो ना कि जैसे जैसे हम स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से दूर लाते हैं, साइज ऑफ अम्ब्रा छोटा हो रहा है एंड साइज ऑफ पेनम्ब्रा बड़ा हो रहा है। ये क्लियर है? मतलब ये चीज बहुत जरूरी है, यहां पर लिख देते हैं, एज द डिस्टेंस बिटवीन द सो सॉरी एज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन एस सी आर डबल इन स्क्रीन इज सी आर ई एस ई डी इंक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज द यू एम बी आर ए अम्ब्रा पार्ट ऑफ द शैडो शैडो डिक्रीजेस द अम्ब्रा पार्ट ऑफ द शैडो डिक्रीजेस आर ए एस ई एस ई एस डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस एंड देन फाइनली फाइनली रिड्यूसेस टू अ पॉइंट, ठीक है, एंड इफ द
डिस्टेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड, इफ द डिस्टेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड देन नो UMBRA umbra will be formed. ठीक है? Whereas WHERE, whereas the penumbra region keeps on increasing, keeps on increasing, देखो ना, बढ़ रहा है, increasing, 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 and after some, after, after, and after an extent, after some extent, it becomes too large, it becomes too large and fainter to be visible. ये लाइन आपको पूरा सेट, ये लाइन पूरा लिखो से, ठीक है? तो आई थिंक हम लोग खत्म कर चुके हैं. हाँ, हो गया हम लोग, ठीक है? ओके, तो हम लोग देखिए, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोग ने पढ़ा कि अगर मेरे पास एक्सटेंडेड सोर्स है जिसका साइज, कैसे बताएं हम, हाँ, ये मेरा सोर्स है और ये क्या है, ये सोर्स है और ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड सोर्स है और सोर्स क्या है, छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. उस केस में क्या होगा, पहला देखिए कि जो ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑफ शैडो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज में, यहां जब रेज ऑफ लाइट निकले ऐसे डाइवर्ज करेगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा, इसीलिए साइज ऑफ द शैडो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लाइट, पिछला केस में ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के जितने नजदीक होगा शैडो उतना ही बड़ा होगा, ये सब समझ चुके हम लोग. पर जब यहां पर आए हम लोग, कब, कि जब मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा है, ऐसा है, तो उस केस में नोटिस करो ना कि जब ये ऐसा है तो रेज ऑफ लाइट क्या होगा, कहां से बना, जब ऐसा है तो रेज ऑफ लाइट कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ऐसे जाएगा, सॉरी कन्वर्जिंग, ऐसे आएगा, यहां से ऐसे जाएगा. जब ये छोटा है तो सोर्स क्या होगा, जब आएगा ऐसे जाएगा, तो कन्वर्जिंग हुआ ना. सिंस जब एक्सटेंडेड सोर्स बड़ा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो एज इफ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, रखा गया है इन द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, साइज ऑफ द शैडो इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये क्लियर है? चलो, समझ में आया हम लोग इतना. बट स्टिल द शैडो विल हैव टू पार्ट्स, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, ठीक है? अम्ब्रा मतलब कंप्लीट डार्कनेस, पेनम्ब्रा मतलब, पेन मतलब पार्शियल, अम्ब्रा मतलब डार्कनेस, पार्शियल डार्कनेस, ठीक है? ओके, सही है, समझ गए हम लोग. ओके, एंड यहां पे हम लोग क्या नोटिस किया, कि अगर हम लोग स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे दूर करते हैं, तो साइज ऑफ द शैडो अम्ब्रा रीजन keeps on decreasing and the size of the penumbra region keeps on increasing, ठीक है? And फिर हम एक बात बोले कि अगर मान लीजिए स्क्रीन यहां पर, ये लिख लिया आप लोग, ये पोर्शन लिख लिया हो ना, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, वो पॉइंट बन चुका है, एकदम पॉइंट साइज बन चुका है, ठीक है? अब अगर स्क्रीन को हम इसके दूर ले जाए, क्या बोल, ध्यान सुनिएगा, अगर स्क्रीन यहां था, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जैसे जैसे हम दूर कर रहे हैं स्क्रीन को, सेपरेशन बढ़ा रहे हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, क्या हो रहा है, मेरा अम्ब्रा रीजन डिक्रीज हो रहा है, एंड ये वो क्रिटिकल पॉइंट है. अब नोटिस करो आप, ग्रीन रेज कौन सा है, ये है ग्रीन रेज एंड ये है ग्रीन रेज,
ब्लू रेस कौन सा है? ब्लू रेस है ये वाला एंड ये वाला। अब नोटिस करो आप कि अगर इस पोजीशन के बाद अगर आप स्क्रीन को शिफ्ट करते हो तो अम्ब्रा फॉर्म ही नहीं होगा, ये तो रेज लाइट डाइवर्ज कर रहा है। नहीं, इस पोजीशन ऑफ द स्क्रीन के बाद अगर आप और दूर जाते हो तो अम्ब्रा तो फॉर्म ही नहीं होगा। ये पॉइंट लिखे हम यहां पे, अम्ब्रा, नो अम्ब्रा विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। पर पेनम्ब्रा अभी भी फॉर्म होगा, ठीक है, पेनम्ब्रा अभी भी फॉर्म होगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो पेनम्ब्रा रीजन वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लाइट इतना बड़ा हो जाएगा कि एज इफ वो जनरल इल्यूमिनेशन जैसा दिखेगा हम लोग को। पेनम्ब्रा रीजन इतना बड़ा हो जाएगा कि एज इफ वो जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगा, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वहां पर शैडो वाला लाइट है कि नॉर्मल लाइट है। क्या बोल रहे हैं? हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि अच्छा यहाँ पर शैडो वाला लाइट है कि नॉर्मल लाइट है, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एकदम फेंट हो जाएगा, इतना फेंट हो जाएगा कि अब हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, वो विजिबल ही नहीं है मेरे लिए। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, इतना आप नोट कर लो, ओके। अच्छा ठीक है, अब चलो एक फाइनल क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे देते हैं, फिर आपको मजा आएगा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लो फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम। और ये डायग्राम प्लीज अच्छे से बनाना, डायग्राम, ये एक डायग्राम बनाया है हम, सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं बनाया, ये बेटर है, किसी से हो गया हम लोग का, ठीक है, ओके। चलिए आज का एपिसोड खत्म करने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला गया है, अ बर्ड और एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई इन द स्काई कास्ट नो शैडो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्या बोला गया है कि एक चिड़िया रानी या फिर एरोप्लेन जो बहुत हाई फ्लाई कर रहा है इन द स्काई में, उसका जमीन पे शैडो दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब कि मान लीजिए अगर ये एक सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ई ए आर टी एच, अर्थ सरफेस, ठीक है, और ये एक एरोप्लेन है, जा रहे एरोप्लेन भी नहीं बना पा रहे हम तो, ये एक एरोप्लेन है, इससे अच्छा ही बनेगा एरोप्लेन मेरे से, एरोप्लेन पकड़ लो या फिर बर्ड पकड़ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ ऊपर कहीं सोर्स सन होंगे, अरे सन होंगे ऊपर कहीं, आपको क्या पता कहाँ है, सन महाशय, ठीक है, ओके। अब नोटिस कीजिए कि क्या बोले हम, तो ये जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है इसका शैडो क्यों नहीं दिख रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझ में आया, ये जो बर्ड है या फिर जो एरोप्लेन है इसका सरफेस पर शैडो नहीं मिलता है, क्यों? ले आइए इसका आंसर देते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि द रीजन इज दैट द बर्ड ऑब्लिक एरोप्लेन, बोल दो एरोप्लेन, फ्लाइंग FLYING फ्लाइंग हाई इन द स्काई कम्स अंडर द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग लाइट रेज फ्रॉम द सन, ठीक है, कन्वर्जिंग लाइट रेज फ्रॉम द सन, हेंस No UMBRE umbra is formed while the penumbra formed 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 is too large and faint to be visible, hence
वी सी नो शैडो, नो शैडो एस एच ए डी ओ डब्ल्यू ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। समझ में क्या बोला गया है? देखो भैया बात ये है कि जब ये चिड़िया रानी बड़ी से यानी या फिर एरोप्लेन जब हवा में उड़ रहा है बहुत ऊपर बहुत मजे में उड़ रहा है तो क्या होगा, सोर्स से एक ऑब्वियसली जो सन है वो एरोप्लेन से तो बड़ा है, ये तो अग्री करते हो आप, जो सन है वो तो एरोप्लेन से बड़ा है ना। हाँ थैंक यू। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट बनाए ऐसे, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से अगर हम बनाए तो एक ऐसे जाएगा एंड एक ऐसे जाएगा, ठीक है, सही है। अब नोटिस करो कि ये रीजन के बीच में कोई लाइट नहीं होना चाहिए था। अरे भैया जो दो इनर पार्ट है, जो दो इनर रेस है, यहां मिट कर रहा है, मतलब कि अगर ये स्क्रीन को हम यहां, अगर मेरा अर्थ सरफेस ऊपर होता तो मुझे यहां पे अम्ब्रा इसका शैडो मिल जाता, मजा आया, और ये पेनम्ब्रा होता, पर अर्थ सरफेस तो ये नहीं है, नीचे आओ, अभी भी मिल जाता। अगर अर्थ सरफेस यहां पे होता तभी भी मुझे एक पॉइंट शैडो मिल जाता और ये पेनम्ब्रा होता, पर अर्थ सरफेस तो नीचे है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है भैया। कौन बोल रहा है इतना ऊपर उड़ने के लिए? फ्लाइंग हाई इन द स्काई इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ऊपर उड़ रहा है फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो बाय द टाइम शैडो नीचे आ रहा है अम्ब्रा तो यहीं पे खत्म हो गया, अम्ब्रा शैडो पॉइंट शैडो यहीं पे तो खत्म हो गया, इसके बाद तो अम्ब्रा बना ही नहीं है। Whereas, ये जो पेनम्ब्रा बन रहा है यहां पर अर्थ सरफेस पे इतना बड़ा है, पेनम्ब्रा क्या पार्शियली डार्कनेस होता है ना, मतलब इतना बड़ा हो गया है कि उसको आंख से बहुत फजियर हो गया है, उसको हम लोग परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये लाइट में और जनरल इल्यूमिनेशन में हम लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पेनम्ब्रा है पर इतना फेंट है कि उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए एज इफ हम लोग को लग रहा है कि शैडो मिला ही नहीं, क्योंकि शैडो तो यही पॉइंट इसी पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, दिस इज द पॉइंट जहां दो रेज मीट के अंदर वाला, शैडो एंड्स हेयर, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू, शैडो एंड्स हेयर, शैडो मतलब अम्ब्रा पॉइंट, अम्ब्रा यू एम बी आर अम्ब्रा एंड्स हेयर। अब कहां से शैडो मिलेगा, कहां से लाओगे भैया, नहीं आया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, आई नो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, एक बार पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, एक बार पढ़ोगे फिर से कुछ और समझ में आएगा, फिर तीसरी बार पढ़ोगे कुछ और समझ में आएगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आप जब बार बार पढ़ोगे ना, हर बार कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। Till then, be safe, be joyful, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.